हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त होस्ट रविंद्र माथुर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हुंडई की वेन्यू, जो कि है सेक्स वाला वेरिएंट है। उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ भाई। गाड़ी के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो वेन्यू एसएक्स का वेरिएंट है वो देखने में फ्रंट से बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दोस्तों जो इसकी ग्रिल में क्रोम का काम हुआ है वो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। काफ़ी अच्छी क्रोम लग रही है और हुंडई का लोगो इस गाड़ी की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और दोस्तों जो इसकी लाइटें दी हुई हैं उनका डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है। आइस क्यूब डिज़ाइन में लाइट दी हुई है। नीचे दोस्तों आपको प्रोजेक्टर में हेडलाइट मिल जाती हैं और नीचे दोस्तों सिल्वर फिनिशिंग प्लेट मिल जाती हैं। ओवरऑल दोस्तों जो गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पियानो ब्लैक और क्रोम कार वाइट का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों काफ़ी बल्कि गाड़ी लग रही है, अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। दोस्तों 1200 सीसी के अंदर आती है, 4 सिलेंडर के अंदर काफ़ी प्यारी गाड़ी है। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो जो साइड प्रोफाइल है गाड़ी की वो भी काफ़ी अच्छी। जैसा कि दोस्तों आप जो इसका टायर साइज़ देख रहे हो वो दिया हुआ है 195/65 R15 15 इंची में दोस्तों आपको इसके रिम मिल जाते हैं और इसी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और दोस्तों जो इसके टायर दिए हुए हैं उसी में आप एयर मोनिटर भी मिल जाता है। और दोस्तों जो इसके रिमों का डिज़ाइन दे रखा वो भी व्हील कवर के साथ ऐसा लग रहा है जैसे भाई अलॉय व्हील हैं। और ओल दोस्तों काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और दोस्तों जो ये ब्लैक में ग्लाइडिंग दे रखी है वो इस गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। दोस्तों जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है वो भी 195 mm की दी हुई है, अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस दी है। दोस्तों इसमें ORVM मिलते हैं, वो बॉडी कलर में मिलते हैं, ये आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। और दोस्तों ये ब्लैक में पट्टी दे रखी है वो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। सिल्वर फिनिशिंग में आपको इसके रूफ रेल मिल जाती हैं। बॉडी कलर में दोस्तों आपको इसके हैंडल मिलते हैं। और दोस्तों ये जो कर्व दे रखा है इसकी खिड़कियों में वो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ दोस्तों आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। और दोस्तों पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं। तो एसएक्स वाला इसमें आपको ऊपर सनरूफ मिल जाते हैं, आपको सारथी का एंटीना मिल जाता है। और दोस्तों जो स्पॉइलर दिया हुआ देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, यहाँ दोस्तों आपको डिफोकर मिल जाता है। और दोस्तों ये ब्लैक में दिया हुआ इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसकी लाइटों का डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कनेक्टेड में आपको इसकी टेल लाइट मिल जाती है। और दोस्तों पियानो ब्लैक वाइट और रेड का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको दोस्तों हुंडई वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है, पीछे एसएक्स की बैजिंग दी हुई है। पीछे दोस्तों आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं। नीचे आपको सिल्वर फिनिशिंग प्लेट मिल जाती है। यहाँ दोस्तों आपको बैक कैमरा मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसकी चाबी का डिज़ाइन ऐसा दिखाई देता है, इससे होल्ड करने पर बूट ओपन हो जाता है, ये लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों गाड़ी की चाबी काफ़ी क्लीन फील करवा रही है। आइए दोस्तों मैं आपको अंदर से और इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ भाई, अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो टू फोल्ड मिरर हो जाते हैं लॉक करने के बाद। दोस्तों मैं आपको अंदर दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी हैवी डोर दिया हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो तो इसका इंटीरियर देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, अंदर से काफ़ी प्रीमियम फील करवा रही है। यहाँ दोस्तों आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, सारे में हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है। और दोस्तों इस गाड़ी में आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। और दोस्तों जो इसका इंटीरियर है उसमें ये जो सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है एसी के बलोरो के ऊपर वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और एसी के बलोरो का डिज़ाइन भी देखने में काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसमें आपको ऑटोमेटिक में एसी मिल जाता है, यही रियर डिफोगर फ्रंट डिफोगर USB पोर्ट टाइप सी 12V का सॉकेट वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह दी हुई है। यही जो दोस्तों इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया उसके सारे स्विच आपको बाहर ही मिल जाते हैं। यहाँ दोस्तों आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह दी हुई है,
यहाँ दोस्तों आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है कूलिंग वाला, और काफी बड़ा ग्लो बॉक्स दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसका स्टीयरिंग का डिजाइन दिया हुआ है वो भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेदर फिनिशिंग में मिल जाते हैं ये दोस्तों, आपको फ़ोन उठाने काटने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन के लिए, मोड वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते हैं। डी कट में दोस्तों इसका स्टीयरिंग दिया हुआ है दोस्तों, ये टिल में दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक में नहीं है। यहाँ दोस्तों आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ स्टैक्शन कंट्रोल के लिए, यहाँ कैमरे के लिए, यहाँ से दोस्तों आप लाइटों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके मीटर का भी डिज़ाइन देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ नीचे दोस्तों आपको डैड पैडल मिल जाता है, यहाँ दोस्तों आपको 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाता है, 4 पावर विंडो दिए हुए हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और आरवीएम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो फोल्ड कर सकते हैं। सिल्वर में आपको इसका हैंडल मिल जाता है। 4 दोस्तों इसमें आपको स्पीकर मिलते हैं, 2 फ्रंट में ट्विटर दिए हुए हैं, यहाँ दोस्तों आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ दोस्तों आपको मिरर दिया हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रिक में आपको SOS ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। यहाँ से दोस्तों आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, यहाँ दोस्तों आपको माइक मिल जाता है, और दोस्तों सनरूफ का साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और दोस्तों गाड़ी की सीटों का थाई स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी कंफर्टेबल सीटें दी हुई हैं। यहाँ दोस्तों आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, आर्म रेस्ट का साइज़ काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 गियर में दोस्तों ये है, ये वाला वेरिएंट। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी अंदर से काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील करवा रही है। यहाँ से दोस्तों आप इसकी सीट को हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल ओपन कर सकते हैं, यहाँ से बोनट ओपन हो जाता है। आइए दोस्तों मैं आपको पीछे और दिखा देता हूँ, पीछे आपको कितना क्या स्पेस मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, मैंने अपनी हाइट के हिसाब से आगे वाली रो को सीट को एडजस्ट किया था, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा नी स्पेस मिल जाता है, स्पेस की गाड़ी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ दोस्तों आपको 2 AC के ब्लोअर मिल जाते हैं, उनको आप अपने यहाँ से हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, 1 लीटर बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ दोस्तों आपको पावर विंडो दिया हुआ है, सिल्वर में दोस्तों आपको इसका हैंडल मिल जाता है। और दोस्तों जो ये हेड रेस्ट दिए हुए हैं, 4 दिए 5 दिए हुए हैं, उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वाली रो में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता, और दोस्तों पीछे वाली रो में 3 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं। 60-40 वाली दोस्तों इसकी सीटें दी हुई हैं, काफ़ी अच्छी है दोस्तों। अंदर से बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, गाड़ी अंदर से काफ़ी प्रीमियम फील करवा रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ छत के यहाँ से भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, यहाँ आपको हैंडल मिल जाता है, यहाँ दोस्तों आपको लाइट दी हुई है, और दोस्तों गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेस है। तो इसी में आपको सेंसर दिया हुआ है हैंडल में। आइए दोस्तों मैं आपको इसका बूट स्पेस और दिखा देता हूँ, इसमें आपको कितना क्या बूट स्पेस मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, आप 4-5 बड़े बड़े सूटकेस आराम से रख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको लाइट मिल जाती है, स्पेस की किसी प्रकार की कमी नहीं है दोस्तों, यहाँ आपको स्टेपनी मिल जाती है। और दोस्तों पार्सल ट्रे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।